वेलकम टू पैसिफिक मिंटोर। मैं हूं आपका टीचर जिशान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरी से होंगे। ईद खूब इंजॉय की आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं बड़े बढ़िया अच्छी अच्छी डिशें बनाई होंगी आप लोगों ने। अच्छा, आज का हमारा जो लेसन है, पिछले लेसन जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग के ऊपर आपको क्लोज़ करवा दिया था, ठीक है, जिसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग है, जिसमें कंप्लीट हमने फॉर्मेटिंग करनी, जैसे कि मैंने आपको फाउंट सेक्शन में और पैराग्राफ सेक्शन में बताया था कि फॉर्मेटिंग की जाती, उनको मिला के उन्होंने वो बनाई थी। अच्छा, आज जो हम अभी पढ़ना जा रहे हैं, ये जो आज का लेसन है हमारा, ये लेसन है हमारा वाटर मार्क के ऊपर, पेज बॉर्डर के ऊपर, कवर पेज के ऊपर, ताकि इन ये जितना भी आपने सेक्शन पढ़ा है उन सबको मिला के इसके कुछ कुछ सेक्शन इसमें आपके साथ ऐड होंगे, जिसमें आपने पेज के नीचे वाटर मार्क लगाना होगा, ठीक है, पिक्चर वाटर मार्क लगाना था, वो ट्रांसपेरेंट सा होता है शेड, या टेक्स्ट आप लगा सकते हो तो, या फिर आप इसके ऊपर पिक्चर का लगा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने इसके पेज बॉर्डर्स पढ़ने हैं, पेज बॉर्डर्स जिसमें 8 बॉर्डर आएंगे, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त बॉर्डर हैं। अक्सर आपने डिग्री सनत वगैरह या कोई ऐसे डिप्लोमे वगैरह के ऊपर देखा होगा, वो बॉर्डर बना होता है कॉर्नर्स पे, वो करली सा कोई बॉर्डर को किसी स्टाइल में, कोई किसी स्टाइल में, ये कुछ बॉर्डर्स उन्होंने इसकी गैलरी में, आर्ट गैलरी में दिए होते हैं, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको ये किस तरह से आप इनको इंप्लीमेंटेशन करना है और किस तरह से लगाना है, ठीक है। साथ आपको वाटर मार्क के बारे में बताएंगे, दोनों टाइप्स की जो वाटर मार्क है उनके बारे में डिस्कस होंगी आज हमारे इस टॉपिक में। बहुत अहम लेसन है ये वाला, तो आए हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये काम करेगा। आओ जी बच्चों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जी आज हमने ये पढ़ना है ये पेज बैकग्राउंड, ठीक है, ये बैकग्राउंड्स के हवाले से आपको बात बताएंगे, ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें है ये वाटर मार्क लिखा हुआ है, एट दी गोस्ट टेक्स्ट थी वो, ये ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट, या आप उसको क्लिक करेंगे जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुई है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल 1, 2, डोंट कॉपी इनको ऐड कर सकते हैं, draft 1, draft 2, सिंपल, मुख्तलिफ, मोर वाटर मार्क ऑफिशियल, ये नेटवर्क से आप यानी कि ऑनलाइन इसकी वेबसाइट से इसको आप हासिल कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कस्टमर वाटर मार्क, फिर लिखा हुआ है रिमूव वाटर मार्क, यानी कि अगर आपने कोई वाटर मार्क लगा दिया लाइक जैसे ये मैंने ये जैसे क्लिक किया आपके सामने ये एक टेक्स्ट वाटर मार्क लग गया। अब मैं करता हूँ इसको रिमूव करता हूँ, ये देखें यहाँ से यहीं रिमूव हो जाएगा। ये जिस सिंपल अभी मैंने ये जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं इन टेम्पलेट्स के ड्रॉप डाउन लिस्ट करके आपको बताया है ASAP, ठीक है, और उसके बाद एज़ पर सैम्पल, उसके बाद ये अर्जेंट, ठीक है, ये मल्टीपल्स ये टेक्स्ट हैं। आप इनको जिस वक्त लगाएंगे या इंटर करेंगे तो इसके बाद आपने करना क्या होगा, सिंपल आपको सबसे पहले टेक्स्ट का बताते हैं। लेकिन ये सबसे पहले ये लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी, अब इसको मैंने करना चाह रहा हूँ कस्टम वाटर मार्क। इस कस्टम वाटर मार्क की ये लिखा हुआ है प्रिंटेड वाटर मार्क, ये एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये ऊपर लिखा हुआ है नो वाटर मार्क, लिखा हुआ है पिक्चर वाटर मार्क, इसके ऊपर इसको मैं बाद में भी डिस्कस करता हूँ, पहले मैं ये बता दूँ आपको टेक्स्ट वाटर मार्क में ये इंग्लिश लिखा हुआ है डोंट कॉपी, ठीक है, डू नॉट कॉपी। यहाँ पे आप एक कोई भी आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं जिसमें वो वाटर मार्क में आप देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी लिख देता हूँ पैसिफिक मेंटोर, ले जी ये मैंने पैसिफिक मेंटोर लिखा, मैं अप्लाई करूँगा ये पैसिफिक मेंटोर, नीचे जैसे अप्लाई किया ये आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको किसी कलर में दे दूँ तो अप्लाई करूँगा ये उस कलर में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं इसका स्टाइल, फाउंट स्टाइल कोई भी चेंज करना चाहता हूँ, ये फाउंट स्टाइल भी चेंज कर देता है। ये वही फाउंट गैलरी जो आपने होम पे पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें फाउंट आपके मल्टीपल आ जाते थे, ठीक है, आप इस पर लगाएं, ये देखें अप्लाई हो गया, ये तीनों सेक्शन चारों सेक्शन आपको समझ आ गए। उर्दू में अगर लगाना चाहते हैं भाई, उर्दू में भी ये टाइप हो सकता है वाटर मार्क, तो उर्दू का मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने अपनी लैंग्वेज एक इंस्टॉल की हुई है उर्दू की, तो इंशाल्लाह इसके बारे में आगे डिटेल में एक लेक्चर मैं दूंगा इसी चीज़ के ऊपर ना, उर्दू के ऊपर, वो एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा 20-25 मिनट का इंशाल्लाह ताला बच्चों। अच्छा, इसमें हॉरिजेंटल है, ये देखें ये हॉरिजेंटल अप्लाई करूँगा मैं इसको, ये हॉरिजेंटली हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजेंटली के बाद मैं इसको डायगनल करूँगा, ये डायगनल हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है सेमी ट्रांसपेरेंट के हल्का सा सेमी होगा, ठीक है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट को आप दोबारा चेक कर दोगे तो ये हल्का सा लाइट हो जाएगा, सेमी ट्रांसपेरेंट कर देगा, ये डार्क कर देगा और ये लाइट कर देगा, ठीक है जी, अन चेक करने से। ये है टेक्स्ट का आपको मैंने बताया, यहाँ से आप जो भी चीज़ टाइप जितनी भी इस लिस्ट में टाइप हो सकती है आप उतना टाइप करके अपना वाटर मार्क लगा सकते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये जो वाटर मार्क आपको ये मैं डिज़ाइनिंग बार या ये चीज़ें बताई हैं, ये आप लोगों ने ये इंसर्ट पे एक लेक्चर था मेरा हेडर फुटर का, डेफिनेटली उसमें हेडर फुटर में ये वाटर मार्क भी हेडर फुटर में बैक सेंड पे लेयर पे ही लगता है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर ये आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। ये आप जब आपने देखा होगा अक्सर ट्रांसपेरेंट ये टेक्स्ट लिखा होता है किसी ना किसी पेज या डॉक्यूमेंट्स में,
सरकारी ऑफिस या लोगो बना होता है, अगर मैं इसकी जगह पे अब लोगो या फिर मैं कोई पिक्चर या फिर कोई भी चीज़ एनीवन कोई भी क्लिक कर सकता, मैंने सिंपल इस टेक्स्ट को डिसेबल करने की बजाय इसको जैसे ही मैंने क्लिक करना है ये टेक्स्ट का एरिया ये डिसेबल हो जाएगा और ये इनेबल हो जाएगा। सेलेक्ट पिक्चर को क्लिक करूँगा ये मल्टीपल मेरे पास ये पिक्चर की गैलरी लोड होगी। अगर तो मैं इसकी जगह पर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ नेट से, तो मैं इंटरनेट से ही ये क्लिक करूँगा तो ये सर्च मुझे को करके दे देगा। टॉपिक्स आपको एप्पल मुझे चाहिए, ठीक है, ये मैं एप्पल को क्लिक कर देता हूँ। जो भी जैसे कि ये मैंने पहले भी बताया था मैं एप्पल का ही आईफोन इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये एप्पल का मेरे पास ये अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ यानी कि इसकी ये वेटेज कम कर देता हूँ तो ये कम हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर ये आप यहाँ से नहीं सर्च करना चाहते, आप फ्रॉम लिखा हुआ फाइल ब्राउज करना चाहते हैं, लाइक आपके पीसी में कोई चीज़ पड़ी हुई है, कंप्यूटर में पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर दें, ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं एक पीके के नाम से करता हूँ, ठीक है जी, ये पीके आपके पास आ गया, ठीक है, ये पीके को जैसे मैंने किया अप्लाई किया ये देखिए ये लग गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, फिर मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये साइज़ बढ़ा दिया, वाश आउट कर दूंगा अप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट एक वाटरमार्क हो गया 500 रेजोल्यूशन पे। मैं इस रेजोल्यूशन को कम भी कर सकता हूँ ये जैसे मर्जी चाहूँ तो। अच्छा भाई शोर बहुत है तो चलें। अच्छा उसके बाद ये वाश आउट अगर मैं करूँगा इसको अप्लाई करूँगा ये थोड़ा सा डार्क यानी कि लाइट हो जाएगा, अगर वाश आउट कर दूँगा तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन उन्होंने दी होती है, जैसे ये सेमी ट्रांसपेरेंट था नीचे ऊपर ये वाश आउट है, सिंपल ये सिमिलर ही है ये चीज़ें, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अप्लाई करने के बाद जब ओके करेंगे इसको रिमूव करना होगा, आप लोगों ने सिंपल जाना है रिमूव कर देना। लेकिन ये वाटरमार्क था, अब आता है ये वाइट कलर, ये जो पेज का इस वक्त आप लोगों को बच्चों कलर नज़र आ रहा है वाइट, इस पेज के कलर को आपने किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। देखें ये मैं किसी भी कलर में चेंज कर सकता हूँ, ये देखें जो मुझको चाहिए। फिल इफेक्ट्स में चले जाते हैं, मैंने को ग्रेडियंट टेक्सचर लगाना चाहता हूँ पेज के ऊपर, फ़ौरन ओके करूँगा तो ये देखें ये लगेगा, ये पेज कलर फिल इफेक्ट्स में मोर चले जाएँ। फिर उसके बाद पैटर्न्स लगाना चाहते हैं, जो आपको बच्चों पसंद है पैटर्न विड्रा कर सकते हैं ये ले, ठीक है। ये आपके पास अच्छा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये फिल इफेक्ट्स पैटर्न आपको मैंने शेप्स का एक लेक्चर दिया था उसमें इसकी डिटेल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर जिन बच्चों ने ये मेरा लेक्चर नहीं लिया था ये ऊपर आई बटन आ रहा है यहाँ पे, भाई इस लेक्चर को आप दोबारा से ले सकते हो, ये इसको डिटेल में मैंने इस इफेक्ट्स और टेक्स्चर के बारे में बता दिया हुआ। पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं इसकी जगह पर कोई पिक्चर आ जाए आप अगर कहते हैं तो सिंपल आपने फॉर्म पर चले जाएँ या ये नेट पर चले जाएँ, पिक्चर किसी भी चीज़ की ये आटम्स ये मौसम के अतबार से ये सारा, ठीक है, ये अप्लाई करना चाहते हैं ये अप्लाई करें आप, ये लें ये मल्टीपल ये टेक्स्ट आपको दे देगा, एक प्यारा सा पैटर्न बना के दे देगा, ठीक है। ये पेज कलर के अंदर ये काफ़ी ज़रा क्वालिटीज इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। मज़ीद और कोई कलर आपने चेंज करना है एक दो बार आप और चेंज कर सकते हैं भाई, सॉरी मैं इसी को दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मैं सर्च बार पर चला जाता हूँ और मैं ये मेरा बीच का कोई मैं व्यू लेना चाह रहा हूँ, मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ये सैंपल आ गया कि ये इस तरह से शो होगा, ले जी ये मल्टीपल दो पिक्चर्स एक शो होगी, बड़ी ज़बरदस्त ये सीनरी सी आपको नज़र आ रही है जिसमें आपको एक सी व्यू यानी कि समंदर का एक बीच का एक बड़ा VIP और बहुत ही शानदार खूबसूरत मैंने इमेज इसमें इंसर्ट कर लिया। यानी अब मैं इस पेज पे जो मर्ज़ी चाहूँ लिख सकता हूँ, ये बुक कवर पेज इन जगहों पे ये चीज़ें भाई बहुत इस्तेमाल होती हैं, आपने देखे होंगे बुक के कवर पेज बनाने के लिए भी ये चीज़ें इस तरह भाई ये फुल आ जाता है कम्प्लीट, तो आप इनको अप्लाई करके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद ये पेज कलर के बाद फिल इफेक्ट्स में चले जाएँ, ग्रेडियंट्स लगाना चाहते हैं ये ग्रेडियंट्स मल्टीपल ग्रेडियंट्स है, टू ग्रेडियंट्स, ठीक है, थ्री ग्रेडियंट्स, ये मल्टीपल ऐड करेंगे ये ग्रेडियंट्स लग जाएगा। फिर फिल इफेक्ट्स पे चले जाना है आप लोगों ने, ये प्रीसेट्स बने हुए हैं प्रीसेट्स ऐड करना चाहते हैं ये लगा सकते हैं। फिल इफेक्ट्स पे चले जाते हैं, अर्लीज डार्क लाइट नाइट जो लगाना चाहें जिस तरह से लगाना चाहें ग्रेडियंट्स, ये मल्टीपल डायगनल लगाना चाहते हैं डायगनल लग जाएगा। सेम वही है जैसे भाई मैंने आपको शेप्स में बता दिया था ना, ये वही चीज़ है सारी पेज यानी कि वही पेज के ऊपर इफेक्ट लगेंगे जो शेप्स पे लगते थे। अच्छा लो जी अगर मैंने ख़त्म करना है इसको लिखा हुआ नो कलर पेज, नो कलर पेज करूँगा तो ये चला जाएगा। ले जी अब आ जाए पेज बॉर्डर के ऊपर, लिखा हुआ पेज बॉर्डर, ये पेज के बॉर्डर पे ऊपर लगाएगा, गौर से ज़रा देख लीजिएगा पेज बॉर्डर जब आपने लगाना है। ये बॉर्डर्स पहले ही वाला बटन जो है ये है सिंपल बॉर्डर्स जो आपने शुरू में होम पेज पर भी पढ़े थे, ठीक है जी। ये है पेज बॉर्डर, इस पेज बॉर्डर में लिखा हुआ है सेटिंग्स नॉन बॉक्स शेडोज 3D और कस्टम। सिंपल मैं इसमें सबसे पहले ये शेडो लगाता हूँ, ये एक बॉक्स लगाता हूँ, बॉक्स लगाने के बाद मुझे वो बता रहा है टॉप और बॉटम में भी रखना चाह रहे हैं, ये मैंने अभी तो कह दिया अप्लाई कर दिया ओके। ये मेरे पास इस वक्त बॉर्डर लग गया पेज का, ठीक है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके ये देखें आपको दिखा देता हूँ, ये देखें पेज बॉर्डर लग गया।
अच्छा सॉरी, पेज बॉर्डर पे आपने आ जाना है वापसी, इसका लिखा हुआ है पीटी, पीटी से मुराद है ये पिक्सल। अगर आपने इसको बढ़ाना चाहते हैं इसकी थिकनेस को तो बढ़ा सकते हैं, फिर पेज बॉर्डर पे चले जाएं। अगर शेडो लगाना चाहते हैं ओके करेंगे, ये शेडो लग जाएगी राइट साइड पे और बॉटम साइड पे। अगर 3D में करना चाहते हैं थोड़ा सा थ्री डिमेंशनल हो तो भाई ये 3D टैब भी आ जाएगा। फिर उसके बाद 3D ये कस्टम है, कस्टम सेटिंग्स अपनी मर्जी से कोई सेटिंग्स कराना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, ये मल्टीपल आपको बॉर्डर का ही कलर चेंज कर देगा। आपने सिंपल जाना है, इसको लगाने के बाद आपने को कलर चूज़ करना है, ओके करना है तो ये बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा, यानी कि कलरफुल बॉर्डर का। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये साइज़ कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, ये विड्थ से, और ये कलर अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहें उस हू से आप लगा सकते हैं। स्टाइल सिंपल बॉर्डर का लगाने वाला ये है, जो आप लगाना चाहें जो आपको पसंद हो वो आप भाई लगा सकते हैं। वेट इसका किसी का अप टू डेट है, किसी का सिंपल लाइट वन टाइम के लिए आप कर सकते हैं, किसी का 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तक है, यानी कि PT तक है। अप्लाई करें, अगर मैं चाहता हूं कि इस बॉर्डर को मैं टॉप पे और बॉटम पे रखना चाहता हूं तो ये लेफ्ट और राइट का जो मैं ख़त्म कर दूंगा ओके कर दूंगा, यानी कि टॉप और बॉटम पे ये बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसी बॉर्डर को चाहता हूं कि टॉप और बॉटम से ख़त्म हो जाए, लेफ्ट और राइट से आ जाए, मैं इनको इनेबल कर दूंगा। जैसे आपको याद होगा बॉक्स पे आप लोग करते थे, यानी कि टेबल बॉक्स पे, इंसर्ट टेबल पे मैंने ये चीज़ें आपको वहाँ पे भी बॉर्डर्स बनाने ये चीज़ें सिखाई थी। अच्छा, ये मैं भी फ़िलहाल इसको अप्लाई करके ओके कर रहा हूँ, अप्लाई किया मैंने, ये ओके कर दिया। फिर इसके बाद आखिरी चीज़ आती है ये होल डॉक्यूमेंट्स, और लिखा हुआ है सेक्शन, सेक्शन वाइज दिस सेक्शन, यानी कि जिस किसी सेक्शन पे लगाना चाहते हैं वो सिंपल उसी सेक्शन पे लेकर दिस सेक्शन फर्स्ट पेज, सिर्फ फर्स्ट पेज पे बॉर्डर लगेगा और बाकी पेजेस पे नहीं लगेगा। अगर आपका कोई 10 15 20 पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो ये नहीं लगेगा। लिखा हुआ है दिस सेक्शन ऑल एक्सपेक्ट फर्स्ट पेज, यानी कि एक्सपेक्ट करते कर रहे हैं आप ऑल फर्स्ट पेज, यानी कि हर ऑल पेज, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स उसके फर्स्ट पेज पे लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं होल डॉक्यूमेंट्स ही रहने देता हूँ, चूँकि मैं आपको सिर्फ ये समझानी है, ये ऑप्शन है मल्टीपल जिनके साइज टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे वो बता रहा है, एक एक इंच मैं इसको छोड़ूंगा। अगर आप इसको साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे ये मैं चाहता हूँ कि 31 ही हो जाए, ठीक है, ये 31 तक ये इंक्रीज़ होगा, इससे ऊपर मज़ीद नहीं जाएगा। तो देखिए मैंने जैसे किया अप्लाई किया ओके किया, ये देखिए बॉर्डर थोड़ा सा क्लोज आपको होता है स्क्रीन पे नज़र आया होगा जी। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन दी हुई है बॉर्डर्स की, अलाउड डिस्प्ले टू इन फ्रंट एजेस के बारे में, टेक्स्ट एजेस के अबाउट आपने अगर करना है, यानी कि टेक्स्ट जैसे जैसे हो वैसे वैसे ये बॉर्डर एडजस्ट हो जाएगा। ये मल्टीपल ऑप्शन दी हुई है भाई, इस ऑप्शन से आप भाई इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये मल्टीपल ऑप्शन है, इनको करके देख लीजिएगा, प्रीव्यू नीचे आ रहा है कि किस तरह से भाई वो काम करेगा, बस ये था। अच्छा, उसके बाद आता है नीचे आता है आर्ट, इसको कहते हैं आर्ट बॉर्डर, ये बने बनाए बॉर्डर अभी नन किया हुआ है मैं, जैसे जैसे एप्पल है ये कलरफुल ये बॉर्डर आ जाएगा। ये बड़े बहुत बहुत ज़बरदस्त पोइमें वगैरह वगैरह पोइट्री वगैरह इन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर लगाने के बाद। अच्छा जी, उसके बाद आगे और गौर से देखिएगा, ये नीचे ड्रॉप डाउन पे लिस्ट, इन सब चीज़ों को लिस्टों को चेक ज़रूर करना है आप लोगों ने। ये देखें, ये ब्लैक एंड वाइट मैंने खूबसूरत आर्ट बॉर्डर लगाया। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जिस वक्त यहाँ पर आपने ये कलरफुल बॉर्डर लगाना है, कलरफुल बॉर्डर लगाने के बाद, अच्छा इसको भी टॉप बॉटम आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले किया था, ये देखें, तो किसी भी बॉर्डर को आप कर सकते हैं, ये कोई इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, जिस कलर के ऊपर आप देख रहे हैं जो कलरफुल ये बॉर्डर हैं, ये वाले आर्ट बॉर्डर, इसके ऊपर ये कलर वाला जो सेक्शन है ये डिसेबल है क्योंकि ऑलरेडी ये कलरफुल है। अब इनमें कुछ बॉर्डर हैं ब्लैक एंड वाइट, जैसे कि ये है, मैं जैसे इसको क्लिक किया, ये देखें ये कलरफुल जो है ना हमारे पास ऑन हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर को कलरफुल लगा दूं बॉर्डर, ये देखें वो था तो ब्लैक एंड वाइट, ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे ही आपने देखना है ये कलरफुल सेक्शन ऑन होगा, नहीं तो आप एक चीज़ और है बच्चों, इसकी थिकनेस विड्थ यहां से इसका वेट बढ़ा सकते हो, ये भी 31 तक चला जाएगा। एक चीज़ खसूसी तौर पर मेरी बात याद रख लीजिएगा, आपने देखते जाना है जिस पर ये कलरफुल ऑन होगा वो बॉर्डर तो अप्लाई हो जाएगा। देखें इस पर आपको कलरफुल बनाना चाहते हैं बॉर्डर अपनी मर्ज़ी से ये लगाएं, ये लगेगा, देखें ये कितना खूबसूरत लगेगा बॉर्डर, ये ले, ये बॉर्डर लगेगा आपके सामने। मल्टीपल आप देखें बहुत सारी सेटिंग्स इसमें पड़ी हैं, ब्लैक एंड वाइट आप लगाना चाहते हैं, कलरफुल लगाना चाहते हैं, जैसे आपको पसंद हो भाई ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये आर्ट बॉर्डर है, ये देखें मल्टीपल बॉर्डर हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉर्डर हैं, मगर इन बॉर्डर्स के बारे में आपको अनकरीब इंशाल्लाह ताला आगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर कवर पेज की असाइनमेंट्स भी आएंगी उसमें इंशाल्लाह ताला आप काफ़ी ज़्यादा कुछ बेहतर से बेहतर सीखेंगे। फिर ये बॉर्डर पे चले जाएँ वापसी और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये मैंने लगा दिया, ये बढ़ाते चले जाएँ,
ये देखें ये साइज़ कितना खूबसूरत होगा। ले जी यही था आज का लेक्चर, आए हमारी स्क्रीन पर। हाँ जी बच्चों देख लिया जी आपने। अच्छा ये जो मैंने पेज बॉर्डर्स के बारे में आपको बताया था, इसमें आठ बॉर्डर का बड़ा अहम रोल है, जिसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि कलर, आप अगर कोई टेक्स्ट ब्लैक एंड वाइट है बॉर्डर उसको कलर दे सकते हैं, वो कलर किस तरह से दे सकते हैं आप, इसके साथ ही ये गैलरी बनी हुई थी। अच्छा ये पेज बॉर्डर्स जो हैं ये इसके बिल्टन हैं, अगर आप कोई इंटरनेट से भी डाउनलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पेज बॉर्डर्स की बैक स्क्रीन पे लगाना होगा, यानी कि जो आपका पेज आएगा उस पेज की बैकग्राउंड पे लगाना पड़ेगा, यानी कि टेक्स्ट रैप के जरिए जैसे पिक्चर इंसर्ट होती है इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं, अगर वहाँ से यहाँ से कोई पसंद आपको ना आए। बहुत से बॉर्डर आपको गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कीजिएगा और पूरे उस फ्रेम को आप लगा सकते हैं, किसी ना किसी जगह पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, लाइक पोइट्री, ठीक है पोइट्री के ऊपर आपने कुछ स्टोरीज बनाई है, ठीक है आपने ऐसे लिखा हुआ है उसमें आपने बॉर्डर लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं। ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं बॉर्डर, आपके डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ होते हैं, सीवीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बॉर्डर्स की। इस वजह से मैं इतनी डिटेल में आपको ये सारे लेसन को आज रिकवर करवा रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस वक्त आपने बॉर्डर लगाने के लिए आपने उसके कॉर्नर्स को ऊपर से देखना है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से। ठीक होगा, अपने और अपने अजीज़ों का गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं भाई, और इन चैनल को हमारे को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और अपना अजीज़ों का आपका ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अस्सलाम वालेकुम।